क्या? हाँ, है ना? मैं देती हूँ, थोड़ा वेट करो। सोनाक्षी, जल्दी आओ बेटा, फोन पे स्वाति है। हाँ हेलो, जल्दी बोल, लेट हो रही है। क्यों, क्या कर रही है तू? अरे लिपस्टिक लगा रही हूँ। अरे वाह, कौन सी वाली, रेड और पर्पल? पर्पल बाबा, पर्पल मेरी फेवरेट वाली। रेड वाला क्यों नहीं लगा, वो तो अदिति की फेवरेट है। दीपिका सुन सुनना, दीपिका सुनना, नीचे आ जा। वेट वेट, मैं आ रही हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो? हम लोग ठीक है। सुन दीपिका सुनना। हाँ बाबा बोल। तो बहुत क्यूट लग रही है। जानती है आज ना मेरे दीदी की लिपस्टिक चुरा के लगाया है। अरे ट्यूशन क्लास में तो लिपस्टिक लगाना मना है, अगर मैम देखी तो बहुत डांट पड़ेगी। चलिए आज ना स्पेशल डे है, स्पेशल डे, और आज आज मैं आदित्य के साथ टिफिन टाइम में खेलने वाली हूँ। लिपस्टिक और खेल, ये लिपस्टिक के साथ खेलने का क्या मतलब? तू तो नहीं समझ रही, तू बस पढ़ाई कर। हाँ बाबा, मैं तो इस सब चक्कर में नहीं सोचूंगी, मैं तो अपना फॉर्मूला ही भूल जाऊंगी। हे हे सुरक्षी, खेल कैसे हुआ तेरा आदित्य के साथ? घंटा हुआ। क्यों? दस आदित्य तो आज ट्यूशन क्लास में आया ही नहीं। अब क्या होगा? और क्या, इतनी मेहनत करके दीदी की लिपस्टिक चुरा के लाई थी और वो आदित्य तो आज ट्यूशन क्लास में आया ही नहीं। या लिपस्टिक ही खत्म हो गया। हाँ बोल सोनाक्षी, क्या हुआ? तुझे फुटबॉल खेल रहा है? देख नहीं सकता, आँख नहीं है क्या? मैं क्या खेल रहा हूँ? पता छोड़ नहीं सकता, आज तू स्कूल क्यों नहीं आया? मेरे घर में कजिन ब्रदर आएंगे, दैट्स व्हाई। अच्छा छोड़ नहीं सकता, वहाँ पर वहाँ चलकर बैठकर बातें करते हैं। एक्सक्यूज मी, मैं अभी वार्म अप कर रहा हूँ, मुझे फुटबॉल टूर्नामेंट में टॉप होना है, टॉप टॉप। आदित्य, थोड़ी देर सोनाक्षी के साथ बात कर लेते, बेचारी तुझे इतनी लाइक करती है। अरे यार अब तो तू चुप हो जा। सोनाक्षी जल्दी चल, उधर दीपिका वेट कर रही है। लिपस्टिक लगा क्या कर रही थी? तू लिपस्टिक लगा के ट्यूशन क्लास में जाएगी क्या? अगर टीचर पकड़ लेगी तो बहुत डांट पड़ेगी। रुक, मैं अभी माँ को बोल रही हूँ। और देख माँ। अरे बाबा क्या हुआ, तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? आखिर तुम्हारे बहन है ना। ये देखो, ये मेरी लिपस्टिक चुरा चुरा कर लगा रही है, वो भी ये ट्यूशन की क्लास में। What? और वो भी ट्यूशन में, किसलिए? वही तो पूछ लो अपनी लाडली बेटी से। हे सोनाक्षी, तू आज स्कूल नहीं जा रही है क्या? देख तेरी वजह से फिर लेट हो जाऊंगी। नहीं वो स्कूल नहीं जाएगी, मुंह फुलाकर रो रही है। क्यों? तुम्हें पता है वो मेरी लिपस्टिक चुरा चुरा कर लगा रही थी, वो भी ये ट्यूशन के टाइम में। हाँ दीदी मुझे भी पता है, वो कल भी ट्यूशन में लिपस्टिक चुरा के लगा रही थी, वो आदित्य के लिए। आदित्य? अब ये कौन है? आपको नहीं पता कि दी वो हमारे स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का। क्यों, तू नहीं देखा क्या? मैंने सुने पर देखे, मैं देखूंगी तो फिर मैथ का फॉर्मूला ही भूल जाऊंगी। भगवान, मैं कल ही उस आदित्य की गार्जियन के साथ बात करूंगी। मैं अकेले ही ट्यूशन क्लास चल जाती। You, आप ही आदित्य का गार्जियन है ना? Yes, हाँ। आपको मालूम है मेरी सिस्टर सोनाक्षी ने आपके भाई आदित्य के लिए छुप छुप कर लिपस्टिक लगा रही है। कौन सी कलर का लिपस्टिक है ये? जो ये कलर का लिपस्टिक है क्या जो कलर आपने पहनी है? क्या भाई? क्या मतलब है भाई? दबे
आपके होठों पे ये लिपस्टिक का कलर बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे आप हो वैसे ही आपकी भाई। बस यही कि इतना सुंदर दीदी का, कितना क्यूट बहन, और आजकल के बच्चे भी ना काफी एडवांस है ना। जैसा आप हो वैसा ही आपका भाई है। वैसे आपकी बहन भी आपकी तरह काफी सुंदर है। आपका फोन नंबर मिल सकता है क्या? क्या बोल रहे हैं आप? अच्छा ओके ओके, नंबर नहीं मिल सकता तो क्या, अपना नाम तो बता के जाओ। अरे मैडम कहाँ जा रही हो, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो, नाम तो बता के जाओ। मैं आपके साथ बात करने में जरा से भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, प्लीज मुझे तुम करना बंद कीजिए। वो देखिए एक आपकी बहन है और एक आप, वो कितनी स्मार्ट है और एक आप है। अच्छा ओके ओके, नंबर नहीं मिल सकता तो क्या, नाम तो बता के जाओ। ओ रियली, मुझे ना लड़कियों के साथ टाइम पास करने का बिल्कुल समय नहीं, मेरे लिए फुटबॉल टूर्नामेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलिए ना भैया, मेरे प्रैक्टिस के लिए लेट हो रहा है। ओके चलो। ये दीदी, आज मैं दीदी साथ खेलूंगी। हाँ तुम खेलो और मुझे उसके भैया की टॉर्चर करना पड़ेगा। अरे अदिति दीदी, भैया तो इतने बुरे भी नहीं है, एज वन एज माय जीजू। तो फिर से शुरू हो गया सोनाक्षी। जस्ट किडिंग दीदी। सो अच्छा सॉरी, चल अब तो चलो, आदित्य वेट कर रहा है। चलो आदित्य प्लीज मेरे साथ खेलो ना। मुझे तेरे साथ नहीं खेलना है। प्लीज ऐसा मत करो, डिस्टर्ब मत करो। प्लीज ऐसा मत करो ना, प्लीज मेरे साथ खेलो ना। प्लीज 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 मेरे साथ खेलो, नहीं खेलना है। प्लीज ऐसा मत करो ना, प्लीज मेरे साथ खेलो ना। डिस्टर्ब मत करो, प्लीज खेलो ना। और आदित्य तू वापस करना। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आज तुम्हारी नेचर स्टडी का प्रैक्टिकल क्लास होगी। सब स्टूडेंट बाहर चलो। ये देखो, ये जो पेड़ है ना, इस पेड़ से बहुत सा मेडिसिन तैयार होता है। तो ये बहुत सा आदमी लोग आता है कि यहाँ से लेके जाता है, और ये मेडिसिन के लिए बहुत काम आता है। वो क्या है? और वो जो पौधा देख रहा है, वो भी हमारा आयुर्वेदिक का बहुत सा मेडिसिन तैयार होता है। और हमारा वही चीज़ है, दिखा है वो जो बताया ना, वो उसमें देखो, वो जो है वो हमारा आयुर्वेदिक के लिए बहुत अच्छा मेडिसिन बनता है, और हमारे हेल्थ के लिए बहुत सा काम में आता है वो सब पौधा। हाँ ठीक है, तुम जाओ। हाँ बोलो सर। हाँ बोलो। मैं सोनाक्षी की दीदी हूँ। अच्छा। क्या मैं उसे आज हाफ छुट्टी में ले जा सकती हूँ? उसकी कजन का बर्थडे है ना सर, क्या अच्छा। आप ये छुट्टी कंसीडर कर सकते हैं? ठीक है, हम छुट्टी तो दे देंगे, लेकिन उसका नाम? उसका नाम सोनाक्षी है सर। अरे वाह, मैं तो उसको जानता हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा अच्छा, आपका नाम पूछ सकता है क्या? आपका फ़ोन नंबर थोड़ा मिल सकता है? मतलब नहीं, वो क्लास के बारे में कुछ बात करना है तो। एक्सक्यूज मी सर, सोनाक्षी की नोटबुक पे ऑलरेडी घर का लैंड नंबर है, और मैं तो फ़ोन यूज़ नहीं करती। तो सर मेरी लेट हो रही है, क्या मैं सोनाक्षी को ले जा सकती हूँ? ठीक है। बचपन में एक्चुअली बच्चा लोग का बहुत सा स्कूल में घटना घट जाता है, लेकिन उसके लिए गार्जियंस क्या करता है, उसको पीटता है, मारते हैं। लेकिन ये बहुत ही गलत बात है, बच्चों को ऐसा करना ही नहीं चाहिए। उसका क्या प्रॉब्लम्स है और क्या उसके मन में है, उसका मेंटल प्रिपरेशन क्या है, उसके ऊपर में गार्जियंस को ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसी के लिए मैं कहूँगा कि
आप लोग कुछ भी अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स है अपना बच्चों को, तो उसको काउंसलिंग कीजिए, और काउंसलिंग के साथ साथ उसको जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सकता है। इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होता है कि काउंसलिंग के बाद नहीं होगा, जरूर होगा, क्योंकि बच्चा को मन में उस क्या घटना हुआ है और क्या है उसका दिल में, उसको सोचना और उसको जानना बहुत ही जरूरी होता है। अगर ये हम लोग सही रास्ता में जाएंगे तो बच्चा को कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा और वो बहुत ही आगे बढ़ सकता है जिंदगी में। थैंक यू।